వెక్టర్ న్యూస్. గాంధీ భవన్ లో తెలంగాణ ఆవిర్భావ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. తెలంగాణ ఆవిర్భావ వేడుకలలో పాల్గొన్నారు మాజీ లోక్సభ స్పీకర్ మీరా కుమార్. ప్రస్తుతం ఆమె మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ చూద్దాం. పిలవండి, నేను మైక్ ఇస్తున్నాను. మీ అందరికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు, సిఎల్పి నాయకులు బట్టి విక్రమార్ గారు వారి అభినందనలు శుభంగా మీకు తెలియజేయమని చెప్పినారు. వారి తరఫున మీకు అభినందన తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు 10 నిమిషాల సన్మాన కార్యక్రమం ఉంటుంది, ఆ తర్వాత వెళ్ళొచ్చు. దయచేసి కూర్చోండి ప్లీజ్. अगर बोलने में मुझे संकोच होता है क्योंकि आपकी तेलुगु भाषा बहुत सुंदर है, बहुत विद्वानों की भाषा है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगते हुए हिंदी में बोलूंगी. आशा है आपको समझ आ जाएगी. मेरा आपसे बहुत पुराना रिश्ता है, मेरा आपसे 3 पीढ़ी का रिश्ता है. मेरे बाबूजी का रिश्ता आपके बाबूजी, आपके दादाजी, आपके नाना जी के साथ था. वो यहाँ आते थे और सबको बहुत प्यार करते थे और सबको अपने हृदय में रखते थे और यहाँ के लोग उनको बहुत प्यार करते थे. मेरे बाबूजी ने मुझे सिखाया, जगजीवन बाबूजी ने मुझे सिखाया कि उस समय आंध्र था, तेलंगाना नहीं बना था, तो आंध्र के लोग उनको अपने हृदय में रखना, उनके प्यार को, उनके सम्मान को अपने हृदय में रखना. और मैंने वैसा किया और आप सबने भी मुझे अपनी बहन माना, अपने माँ के समान माना. मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ. और अब मेरे पुत्र हैं अंशुल, अभिजीत, वो भी आपको बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार देते हैं और आपकी सेवा करना अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं. मैं सोनिया जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मंच से. उन्होंने यहाँ की जनता की भावना को समझा, उन्होंने ये समझा कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो सबसे आखिर में खड़े होते हैं, जिन्हें कोई नहीं सुनता है, जिनके लिए कोई दरवाजा नहीं खुलता है, जिन्हें धक्का देकर पीछे कर दिया जाता है, उनकी आवाज है कि तेलंगाना बनना चाहिए. तो उन्होंने सुना और उन्होंने उस पर ध्यान दिया. सबकी आवाज है इसमें, जो दलित है उनकी आवाज है, जो पिछड़े वर्ग के हैं उनकी आवाज है, जो गरीब हैं किसी भी धर्म और जाति के हैं उनकी आवाज है, जो गरीब नहीं है, संपन्न है, बड़े घरों से आते हैं उनकी भी आवाज है, जो हमारे अक्लियत के लोग हैं उनकी भी आवाज है, जो हमारी महिलाएं हैं उनकी भी आवाज है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सब की आवाज थी कि तेलंगाना बनना चाहिए. और सोनिया जी ने उसे सुना और मैं उनको आज इस मंच से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने तेलंगाना बनाया. मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ के कांग्रेस कमेटी को, इस मंच पर कांग्रेस के सभी विद्वतगण बैठे हैं, सभी जो जुझारू नेता और जो ये जो स्टेज है, ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं.